वाटर वर्शिपिंग यानी पानी की पूजा या पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना, ये बौद्धों की बहुत पुरानी परंपरा है। जो बौद्ध पद्धति में महायानी परंपरा होती है, महायानी या सांघिक जो परंपरा होती है, सांघिक परंपरा और महायानी परंपरा वो परंपरा है जो भगवान बुद्ध की ओरिजिनल ही परंपरा है, मगर उसमें भगवान बुद्ध की दिशा निर्देश के अनुसार कुछ नियम छोड़ दिए गए, लगभग 10 नियम उस समय, और वो संघ बड़ा था इसलिए उसको महासांघिक संघ बोलते हैं, और बाद में इसको महायान या महायान के लोग बोला जाते हैं। महायानी परंपरा में जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं या बौद्ध परिवार रहते हैं या बुद्ध परिवार रहते हैं या धम्मिक परिवार रहते हैं, वो अधिकतर उनकी भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है समतल के हिसाब से, जो मैदान है उनके साथ है, जैसे दिल्ली या कलकत्ता या मुंबई, ये जो स्थान है इनसे अलावा उनकी बहुत भिन्न है। वो ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा शुष्क रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, और वहाँ रेत भी होती है, उसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, यानी ठंडा रेगिस्तान भी बोलते हैं, खासतौर से लेह लद्दाख का एरिया या मंगोल का एरिया। जो सम्राट अशोक ने जहाँ जहाँ भी बौद्ध भिक्खु भेजे और उसके बाद जहाँ जहाँ भी धम्म बढ़ता गया, उसमें जो ये शुष्क एरिया है यानी जो ड्राई एरिया है, उस एरिया में नमी बहुत कम होती है। आप अगर लेह या लद्दाख जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर आप वहाँ ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो आपका सारा शरीर लगभग वहाँ सूख जाता है, स्किन, और सूखना शुरू हो जाता है। वहाँ सारा का सारा एयर मॉइस्चर को उड़ा के ले जाती है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, माइनस में भी चला जाता है। माइनस में जाने की वजह से वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है पुराने समय में। अभी तो वहाँ ज़मीन के नीचे से पानी निकालने की बहुत सुविधा है, मगर जब ये परंपरा बनी थी तब वहाँ ज़मीन से पानी निकालने की सुविधा नहीं थी। होता क्या था कि उन दिनों पानी लाने के लिए बहुत दूर से लाना पड़ता था, और जितने भी मोनेस्ट्री या गोम्पा या बुद्ध विहार या आराम या जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते थे और पढ़ते थे और शिक्षा का आदान प्रदान करते थे, वो सारी जगह पहाड़ के ऊंचे सिरे पे बनाई गई हैं। आप लेह लद्दाख के क्षेत्र में जाएंगे या तिब्बत के क्षेत्र में जाएंगे या मंगोल के क्षेत्र में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि पहाड़ के ऊंचे सिरे पे, भूटान के अंदर भी और सिक्किम के अंदर भी, पहाड़ के ऊंचे हिस्से पे मोनेस्ट्री या बुद्ध विहार बने हुए हैं और लोग वहीं रहते हैं। हर गाँव का अपना एक बुद्ध विहार होता है जिसको मोनेस्ट्री बोलते हैं या गोम्पा बोलते हैं, और वो ऊंची जगह पर होता है। ऊंची जगह पर पानी नहीं आता क्योंकि पानी हमेशा नीचे बहता है या जमीन के नीचे रेगिस्तान में रहता है, तो पानी को लाने के लिए ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और ये वन बाय वन सभी पानी को लेके आते थे, पानी कंधे पे लादा और पानी को लेके आने लगे। ये पुराना ट्रेडिशन है, अभी तो पाइपलाइन सब जगह लगभग आ गई हैं। तो वहाँ हर समय वाटर वर्शिपिंग चलती है। वाटर वर्शिपिंग क्यों चलती है? क्योंकि बुद्ध के किसी भी परंपरा में या बुद्ध की किसी भी टीचिंग में कोई अंधविश्वास नहीं है। पानी को पूजना कोई अंधविश्वास नहीं है। पानी इसलिए पूजा जाता है, और पानी को वहाँ बाउल्स में या कटोरी में, छोटी छोटी कटोरी में बहुत ज़्यादा संख्या में ओपन टू एयर यानी हवा के अंदर खुला रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ जो 24 घंटे लोग रहते हैं उनको एयर में बराबर नमी मिलती रहे, मॉइस्चर बराबर मिलता रहे। इस मॉइस्चर मिलने के लिए, इस नमी को मिलने के लिए शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए वहाँ पे एक तो लाइट हमेशा जलती रहती है। लाइट का मतलब है कैंडल लाइट या मोमबत्ती या दिया, बहुत सारे दिए भी वहाँ जलते रहते हैं जिससे कि उनको गर्मी मिलती रहती है, और एक तरफ पानी की बहुत सारी कटोरियाँ भरी होती हैं जिससे कि उनको मॉइस्चर मिलता रहता है। ये एक साइंटिफिक कारण है वहाँ जीने के लिए। इसलिए पानी लाने की परंपरा, क्योंकि पानी वहाँ मिलता नहीं है और माइनस के टेम्परेचर में सारी झीलें, सारे झरने, सारी रिवर जल बिल्कुल जम जाती हैं, इसलिए पानी को लाना और उस रूम का टेम्परेचर बना के मेंटेन करके रखना, ये वहाँ जीने की एक पद्धति है जो धम्म के अनुसार जोड़ दी गई ताकि धम्म में आसानी से इसको लोग कर सकें। इस वाटर वर्शिपिंग को आज की डेट में समतल मैदानों में भी लेकर आया गया। हालांकि समतल मैदानों में पानी की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पानी समतल मैदानों में सावन के महीने में झमाझम चारों तरफ बरसता है, इसलिए वाटर वर्शिपिंग मैदानों का नहीं है। ये वाटर वर्शिपिंग लेह में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत पुराना शहर है जिसको शंकर गांव बोलते हैं। शंकर गांव में एक शंकर रोड भी है और एक शंकर गोम्पा भी है, बहुत पुराना है, जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। वहाँ पे जो शंकर महादेव हैं, जो बौद्ध परंपरा में जैसे आसन पे बैठते हैं, वो शेर की खाल पे बैठे हुए हैं और विपसना कर रहे हैं।
हमने वहाँ जाके उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इनकी वाइफ का नाम पब्बता यानी पर्वत पर रहने वाली है, और ये यहाँ के शंकर महादेव हैं जो यहाँ टीचिंग करते थे बुद्ध की, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और ये यहाँ के किंग भी रहे हैं, राजा भी रहे हैं, और इनका बहुत, क्योंकि पर्वतों से उतर के जो लोग नीचे आए उनसे उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा भी रहा, इसलिए बहुत पुराना है। कभी आप ले जाएं तो ले जाके शंकर गोम्पा या शंकर बुद्ध विहार या शंकर मोनेस्ट्री जरूर जाएं, बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है और वहाँ भी वाटर वर्शिपिंग होती है, जगह जगह वाटर वर्शिपिंग होती है। मगर सावन का जो महीना है वो समतल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वाटर वर्शिपिंग में तो नहीं मगर देशना के रूप में, क्योंकि जो सावन का मतलब है, सावन का मतलब है घोषणा, पाली के अंदर सावन अगर बोलेंगे तो इसका मतलब है घोषणा, और अगर सावन बोलेंगे तो इसका मतलब है सुनना, दोनों के ही मिश्रण से सावन बना है, यानी सावन भी है और सावन भी है, ये महीना दोनों के काम आता है। घोषणा कौन करता है? घोषणा करते हैं जो भिक्खु संघ जो वसावास में आके रुक गया है, क्योंकि जैसे ही आषाढ़ी पूर्णिमा आती है और सावन आरंभ होता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है, उसी समय से पहले एकादशी से यानी पहले दिन से, पूर्णमासी के पहले दिन से ही लोग देशना सुनने के लिए आते हैं और देशना सुन के वहाँ बैठते हैं, तो वो घोषणा जो करते हैं बौद्ध भिक्षु जो घोषणा करते हैं उसको सावण बोलते हैं, और सावण जो उपासक लोग जो सुनते हैं उसको सावण बोलते हैं। इन दोनों के मिश्रण से ये जो महीना है इसका नाम पड़ा है सावन। सावन महीने की ये खास बात है। सावन महीने की जो दूसरी खास बात है कि इसके बहुत सारे नियम भी बनाए गए उस समय देशना सुनने के लिए, यानी कि जो धम्म के उपदेश होते थे उनको सुनने के लिए। देशना का मतलब है उपदेशना, यानी कि जो भगवान बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है, भंगी बुद्ध ने कहा है, उसकी देशना देना या उपदेशना देना, उसको बताना, जो जगह 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 सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं। इसलिए वाटर वर्शिपिंग तो समतल का एरिया नहीं है, यानी पानी की पूजा या पानी का लाना या पानी का ले जाना तो यहाँ जरूरत नहीं है, मगर धम्म देशना के जो देशना दी जाती है सावन के महीने में उसकी बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। पहले सोमवार नहीं हुआ करता था, क्योंकि सोम माने जो होता है वो सोम रस होता है, सोम रस से सोमवार बना हुआ है, या सोम का मतलब जो होता है वो पाली में अलग तरह का होता है, इसलिए सोमवार शब्द नहीं था और ना ही यहाँ पहले हफ्ते थे। पहले पूर्णमासी थी या अमावस थी, या बोलते थे एकंग दुई तीनी चत्तारी पंच छ सत अठ नव दस एकादश, ऐसे करके बोला जाता था, और चौदश के बाद चौदहवीं आती थी और फिर पूर्णमासी आती थी, तेरस हो गया, बारस तेरस चौदस और उसके बाद पूर्णमासी। तो पहले हफ्ता नहीं होते थे, पहले पूरा पखवाड़ा होता था, यानी पख होता था पूरा पूरा, जिसको पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आज की डेट में बोला जाता है। पहले कृष्ण का मतलब काला होता था, यानी कि शाम पक्ष काला पक्ष, और शुक्ल का मतलब है उजियारा पक्ष यानी कि उजला। जब पूर्णमासी में चांद आगे बढ़ता था तो वो होता था शुक्ल पक्ष, और जब घटता था तो उसको बोलते थे कृष्ण पक्ष काला पक्ष। इसके जो नियम हैं बहुत बढ़िया नियम इसके बनाए गए सावन के महीने के, क्योंकि जितने भी उपासक आने हैं वो सफ़ेद कपड़ों में आएंगे, सफ़ेद कपड़ों में वो आके बैठते थे। सफ़ेद कपड़ों में आने के बाद उनको बाद में परंपरा में सफ़ेद फूल में बदल दिया गया, क्योंकि वो परंपराएं चली गई मगर सफ़ेद वस्त्र का रहा तो सफ़ेद फूल में बदल गया। जो अक्षत है, अक्षत जो बोलते हैं, अक्षत का मतलब है ए छ, यानी कि जिसका छह ना हुआ हो, यानी धम्म देशना सुनने के लिए या विपश्यना के लिए वही आ सकता है जो अक्षय हो। अक्षय का मतलब अक्षय हो, जिसके शरीर में कोई क्षय ना हो, जो स्वस्थ हो बिल्कुल। ये नियम है कि धम्म सीखने वही आएगा जो स्वस्थ होगा, बीमार आदमी धम्म नहीं सीख सकता, ये नेचुरल सी बात है, बीमार आदमी पहले स्वस्थ होगा। एक इसमें भांग का नियम है, भांग का नियम बाद में इसको भांग से जोड़ा गया, जबकि विपश्यना में और देशना में ये भंग का नियम है। भंग का नियम यह है कि आपको भंग अवस्था तक पहुंचना है और भंग अवस्था जाननी है, और जिन लोगों ने पहले भंग अवस्था जाननी है उसको दोहराना है, ये भंग का है। एक इसमें धतूरे का नियम है, धतूरा जो बाद में बदला गया, धतूरे को नशीला पदार्थ बताया गया मगर पाली के अंदर ये धुतांग होता है। धुतांग का मतलब है कि जितने भी विपश्यना के नियम हैं, जितने भी साधना के नियम हैं, उनको धुतांग बोलते हैं, धुत के अंग, और धुत बोलते हैं एक तरह से विपश्यना को। तो विपश्यना के जितने अंग हैं वो नियम हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, इसलिए धुतांग का यानी कि जो धूत है उसका नियम है, जिसको बाद में धतूरा बोला गया। एक इसमें सफ़ेद चंदन का नियम है, सफ़ेद चंदन का नियम सफ़ेद कपड़ों से लिया गया, यानी कि आपको मन सफ़ेद करके आना है। मन सफ़ेद का मतलब है कि आपका जो मन है वो काला नहीं रहना चाहिए। सफ़ेद चंदन यहाँ उसी का प्रतीक जो बाद में बनाया गया कि अगर मन आपका शुद्ध होगा
तभी आप विपसना कर सकते हैं, तभी आप देशना दे सकते हैं, तभी आप देशना को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके मन में मैल जमा होगा, मन काला होगा, चंदन की तरह सफ़ेद नहीं होगा, खुशबूदार नहीं होगा, तो वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि प्लेन में हर जगह चंदन पहले नहीं होता था, मगर चंदन की खुशबू और चंदन की जो पवित्रता है उसके हिसाब से इसको जोड़ा गया। और इसमें खाने की बहुत, सावन के महीने में आप सब जानते होंगे कि जो गरिष्ठ भोजन है, खासतौर से मांस और मदिरा है, उसके लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। अगर आप मदिरा या शराब पी के आएंगे या नशीला पदार्थ लेके आएंगे तो आप विपसना कर ही नहीं सकते। ये विपसना का नियम है कि विपसना के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए और कोई भी जो पदार्थ ऐसा है, नशीला पदार्थ है, उसका सेवन ना करें। और खाना भी आपने एक टाइम खाना है, 12 बजे से पहले, और मोस्टली फलाहार खाने हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो इसमें सावन के महीने में उस समय फलाहार का भी नियम बड़ा प्रमुख था। एक होता है इसके अंदर अभिषेक करना। अभिषेक जो शब्द बना है वो बना है निष्क्रमण से, यानी अभि निष्क्रमण, आपने घर से अभि निष्क्रमण करना है। निक्रमण बोलते हैं पाली के अंदर, अभि निक्रमण, निक्रमण से निष्क्रमण बना और निष्क्रमण से ही अभिषेक बना, यानी कि आपको अपने घर से निकलना है और बिहार में रहना है या बिहार में जाना है। एक ये निक्रमण का नियम है जो यहाँ बना हुआ है। ये सारे के सारे नियम सावन के महीने में पुरानी भाषा पाली और पुराने लोग जो धम देसा देते थे उसके तहत में ये बने हुए हैं, और वही प्रतीक के रूप में आज भी जितने भी बौद्ध परिवार हैं उन सब में चलते हैं और माने जाते हैं। इसलिए सावन के महीने की बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि सावन के महीने में जो भिक्खु संघ आया है वो आपको पढ़ा रहा है और सब में बड़ा जोश होता है, क्योंकि अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, वसावास शुरू हुए हैं, अषाढ़ गया है और सावन का महीना लगा है। इसमें धारण क्या करना होता है, इसमें आपको त्रिशूल यानी कि 3 सूत धारण करने होते हैं। ये शील धारण है, त्रिसूत का मतलब है, क्योंकि त्रि जो शब्द है वो पाली में नहीं होता, ती होता है, ती और सूत्र भी नहीं होता, त्रय वर्ण नहीं होता, तय और आधार है, ये शब्द पाली का नहीं है, तो इसको तिसूत बोलते हैं। तिसूत का बाद में त्रिसूत्र हुआ, त्रिशूल हुआ। तो ये 3 सूत कौन से हैं ये दुनिया जानती है, बुद्धं शरणं गच्छामि पहला सूत्र है, धम्मं शरणं गच्छामि दूसरा सूत्र है, संघं शरणं गच्छामि ये तीसरा सूत्र है। इनको 3 ज्वेल्स भी बोलते हैं, यानी 3 रत्न भी बोलते हैं। तो ये वहाँ पे आपने देखने हैं और ये समझने हैं, तो ये धारण करने हैं। आपने कंठी धारण करनी है। कंठी क्या होता है, कंठी जो एक बीज होता है रुद्राक्ष के पेड़ का, इसको रुद्राक्ष बोलते हैं पहले, क्योंकि ये रुद्राक्ष जो होता है पेड़, इस पेड़ पे एक बीज आता है जिसमें ऑटोमेटिक एक छेद भी होता है या छेद इसमें कर लिया जाता है, तो इसको गले में टांग लेते हैं इस बात के लिए कि मेरा 1 साल हो गया, मेरा 2 साल हो गया, मेरा 3 साल हो गया। ये खासतौर से महायानी जो लोग हैं, महायानी जितने साल उनके होते जाते हैं भिक्खु बनने के, उतने वो डालते जाते हैं और फिर उसको माला को अपने धम के लिए, वो विपसना के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जो कंठी और माला है, ये कंठी माला दरअसल वहीं का शब्द है जो भिक्खुओं ने अपने साथ लिया और भिक्खुओं ने अपने साथ बनाया, इसको याद करने के लिए कि कितने बरस उनको धम में हो गए हैं। एक होता है साधना बुलाने के लिए डम-डम की आवाज़ करना, यानी साधना का समय हो गया है तो आपने डम-डम की आवाज़ करने के लिए एक छोटा सा डमरू बनाया गया, जिससे कि साधना के लिए बुलावा हो सके और लोग साधना के लिए आ सकें। आनंद आता है, आनंद नंद और नंदी, यानी कि जैसे ही आप विपसना बैठेंगे, शाम को आप जब विपसना से उठते हैं तो आपको एक अलग तरह का आनंद या नंद या एक नंदी प्राप्त होता है, एक सिंबल के रूप में है। और जल पात्र वहाँ चारों तरफ भरे होते हैं ताकि मॉइस्चर ना हो। ये महायानी परंपरा का चल रहा है सारा, क्योंकि महायानी परंपरा में जो शंकर बुद्ध विहार है, ये वहाँ की कहानी और वहाँ का सब वृत्तांत है जो वहाँ उन लोगों ने बताया गया। नागवंश के थे, क्योंकि लेह लद्दाख के अंदर सांप नहीं मिलते, और लेह लद्दाख के अंदर फिर भी क्या बोलते, नागवंश का चिन्ह है जो बाद में हाथी से नाग का बनाया गया, यानी कि जो वो लोग थे वो नाग परंपरा के लोग थे, नाग लोग थे, ऐसा उनका सिंबल है। बाकी एक होता है चंद्र आभा, यानी कि उसमें ठंडी आभा आ जाती है, ठंडा मंडल आ जाता है उसके पूरे शरीर के अंदर, एक बहुत शांति वाला आभा मंडल आ जाता है जो उसके मुख पर विराट होता है और चंद्र पे दिखाई देता है। ये सारे वो गुण हैं, वो शील गुण हैं जो कि विपसना करने के बाद एक के बाद आते जाते हैं और रहते हैं। सावन के महीने की सबसे खास बात यह है जो बौद्ध परंपरा में, खासतौर से महायानी परंपरा में होता है। धन्यवाद।